ठीक है गाइस, चलो हम लोगों ने क्या किया, लास्ट क्लास में था कुछ काम किया था, ब्लॉक हमने रेडी किया था, अभी मैं क्या करना है कुछ चीज़ों को अरेंज करना है। तो कैसे करने वाले एक बार देख लेते हैं हम। जब भी आपको रेफरेंस के साथ आपको काम कर रहा है तो आपको फाइल को हमेशा इसमें सेव कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब भी आप यहाँ पर कोई भी काम करोगे तो आपका रेफरेंस एक बार में साथ में आएगा, ठीक है। ये सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ देखा भाई ब्लॉकिंग कैसे करते हैं, ब्लॉकिंग को हमने कैसे क्या क्या काम किया है। हैंड वाले पार्ट को हमने काम कर लिया है, फ्लोर में ऑफ कर देता है। हैंड वाले पार्ट में हमने एक बेसिक ब्लॉकिंग सेट कर दिया है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, थोड़ा सा फिनिशिंग पे काम करना है। तो थोड़ा सा काम हम लोग ऐसे थोड़ा सा रेफरेंस देख के भी काम करने वाले हैं। तो रेफरेंस देख के हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे क्या क्या काम करना है। तो मैं थोड़ा सा ब्लॉकिंग सेट करता हूँ यहाँ पे, ओके। फ्लोर में ना हो यहाँ पे, देन ये पार्ट मुझे यहाँ पे देखना है, ठीक है। हैंड का पार्ट मैंने यहाँ पे देख रखा है, हैंड पे कितना काम मुझे करना है, ठीक है। तो मुझे कुछ लुक एंड फील देना है, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैनेज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक सेट देना है। तो यहाँ पे मैं जिम को मैनेज कर सकता हूँ और लेआउट को मैंने सेट किया यहाँ पे, ठीक है। क्लियर बिल्डअप से तो यहाँ पे बस ऐसे तो कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा लुक एंड फील हम लोग यहाँ पे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। कैसा कुछ शेप दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड प्रेस, ठीक है, हल्का सा शिफ्ट एंड स्मूथ, शिफ्ट प्रेस करके हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कार्टून लिखे तो कार्टून में थोड़ा सा लुक हम लोग देना चाहते हैं, दे सकते हैं, ओके। थोड़ा सा जो लुक वाइज होता है बेटर देखें यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे, तो देन यहाँ पे चीज़ें हैं क्या, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे। इसको थोड़ा सा बेटर वे में हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, क्या थोड़ा सा यहाँ पे राउंड और से थोड़ा सा कर्व भी देखते हैं, ये ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ताकि थोड़ा सा फर्मिलेस यहाँ पे दिखे, ओके। ये पार्ट आपको यहाँ पे, देन यहाँ से फिर से यहाँ पे हार्ड वन किया, तो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखेगा। साइज को छोटा करके आपको थोड़ा ऐसा कुछ दे सकते हैं, ठीक है। ये कुछ स्टेप से मैं आपको मैं मैनेज कर सकता हूँ पे, और देन कुछ स्टेप से मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसा अरेंज किया। और देखो हैंड में और कैसे दिख रहा है, जूम करके देखा है, हल्का फुल्का सा यहाँ पे कुछ शेप सा दिख रहा है यहाँ पे, जो लाइनें हैं इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा कुछ बल्जीनेस या ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हल्का सा ब्लेंड कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पार्ट आप यहाँ से थोड़ा सा रह सकते हो, ठीक है। फ्लैट नहीं रखना, बिल्कुल फ्लैट ना हो, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ को लेकर मैनेज करना, ब्लेंड करना यहाँ पे। तो ये जो हम लोग पार्ट एड ऑन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे शेप है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। हल्का सा राउंडनेस जो दिख रहा है यहाँ पे, राउंडनेस के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर लास्ट टाइम थोड़ा सा टाइम कम करता है मैं, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे भी इतना छोड़ के देते हैं, ठीक है। ये पार्ट में ऐसा कुछ राउंडनेस दिया है, ये पार्ट ऐसा कुछ यहाँ पे दिखा सकते हैं। साइड पे यहाँ पे लाइक नेगेटिव कर दिया मैंने यहाँ पे, ये शेप आप ऐसा कुछ दिखा सकते हैं, ठीक है। तो लाइक अगर मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ, ऑल टाइम क्लिक किया पे, ठीक है, एंड देन मूव पे गए यहाँ पे, हल्का सा रोटेशन दे देते हैं, फोकस प्लेसमेंट पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना, ये पार्ट आप हल्का सा यहाँ पे सेव दिखा सकते हैं, देन से मैनेज कर देना, ठीक है। जो लुक वाइज होता है बेटर दिखे आपको, क्योंकि ये तो सर प्लेसमेंट हमने दिया, ठीक है। ये वेबसाइट पर करके हो गया, तो सर बेटर देखेगा, तो जो छोटे छोटे स्लाइने देखेंगे तो सर बेटर देखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। नीचे तक मैं यहाँ पे स्विच करके दिखा सकता हूँ, जैसे यहाँ पे नीचे भी देख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया थोड़ा सा लाइक स्किल देने के लिए, यहाँ पे निगेटिव स्किल भी मैंने किया, क्या ये सिर्फ आपका कुछ ऐसा, ठीक है। आप यहाँ पे कर सकते हो लाइक सोलो कर दिया आपने, तो सर लाइक इम्पैक्ट आपको थोड़ा सा दिखेगा, ये निगेटिव मैंने स्किल किया, ये निगेटिव मैंने स्किल किया यहाँ पे, क्योंकि ये सेफ मैंने सब कुछ कर दिया पर, तो फिर पार्ट आपका हल्का सा बल्कि होती है, हल्का सा स्विफ्ट एंड स्मूथ हल्का, ठीक है। आप चाहो इस पर हल्का सा स्कल्प कर सकते हैं, इस पर हल्का सा स्कल्प कर सकते हो आप यहाँ पे, तो वो चीज़ थोड़ा बेटर निकलेगा, ठीक है। हल्का स्विफ्ट एंड स्मूथ हो जाए, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इन्हीं को मुझे यहाँ पे एक मेस में कन्वर्ट भी करना है। ये देखिए कनेक्टिविटी दी है मैंने यहाँ पे, ये पार्ट तो यहाँ से फिर यहाँ पे सिर्फ टेस्ट है, यहाँ पे सेगमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करने वाला हूँ, कुछ भी मैं अगर ऐसा कुछ करता हूँ, तो मुझे फिर से यहाँ पे क्या करना होगा, जेड डिमेंशन कर लेना होगा। यहाँ ध्यान से देखना, जेड डिमेंशन में होता है क्या, सिर्फ टेस्ट किया मैंने, जेड डिमेंशन किया, जहाँ पे मैंने डेप्थ दिया वहाँ पे अपने आप सेगमेंट दे देंगे, देखो। तो ये वहीं से यहाँ पे आपको ऐसे बेसिक से लुक एंड फील दे देगा, कोई आप ऐसा कुछ करना है तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तो ऐसे ब्लॉकिंग करते करते आपको चीज़ को मैनेज करना है, अगर आप ऐसा कुछ करने वाले, ठीक है। अभी जैसे आपके यहाँ पे सिंपल कहा
वहाँ का पहले बेसिक सा पार्ट है तो वहाँ पर भी देखता हूँ। हमने हैंड पे काम किया, ठीक है हैंड अभी इतना छोड़ देते हैं फिर, ठीक है अभी यहाँ से मुझे क्या काम करना है, यहाँ से मुझे लगता है लेग पे, फ्लोर पे क्या, यहाँ देखो लेग पे अगर हम ध्यान देते हैं अभी भी लेग अप क्या बताते कुछ पार्ट है क्या। अभी ये चीज़ मैं इसमें से भी निकाल सकता हूँ, तो देखिए आप कैसे निकालेंगे आप, क्योंकि ये पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर सेट करता हूँ, क्लिक किया मैंने ऑल्ट एंड क्लिक करके यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ। साइड पे गए थोड़ा सा मूव का हम लोग लेते हैं फिर एडजस्ट करते हैं फिर यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है तो ये चीज़ में थोड़ा सा मैं मैनेज कर लूँगा धीमे 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 आप यहाँ से स्लाइटली आप यहाँ पर मैनेज कर देता हूँ, ठीक है शिफ्ट एंड स्मूथ किया फ्रंट पे गए ये शिफ्ट एंड स्मूथ किया ये ब्लेंड हो गया। अभी यहाँ पे मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे जो फुट के जो पंजे दिख रहे हैं ठीक है यहाँ पे देखिए कैसा कुछ पार्ट है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो लाइक होना क्या चाहिए बीच वाला पार्ट थोड़ा बाहर होना चाहिए, तो बीच वाला पार्ट थोड़ा बाहर देखा ये पार्ट मैंने यहाँ थोड़ा बाहर किया ये पार्ट थोड़ा मैंने अंदर किया था, ये बेसिकली सेफ हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है थोड़ा आप ऑफ करके देख लो यहाँ साइड में ऐसा तो दिखना चाहिए, ठीक है ये सेफ मैंने यहाँ पे ऐसा सेट किया। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अभी यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गए स्टैंडर्ड पे जाने वक्त लाइक यहाँ से लेफ्ट मैंने निगेटिव स्कल्पिंग करते हैं ये निगेटिव स्कल्प कर रहे हैं ठीक है ये पार्ट में ऐसा कुछ आ रहा है और देन यहाँ से यहाँ पॉजिटिव स्कल्प किया मैंने यहाँ पे ठीक है यहाँ पॉजिटिव स्कल्प किया मैंने यहाँ पे तो लेग के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा कुछ शेप्स मतलब मैं मैनेज करूँगा उससे जो पार्ट है, ठीक है मैं अलग से बनाऊँ तो अलग से बना सकता हूँ, अभी मैं इसमें देना चाहता हूँ तो मैं इसमें करूँगा, ठीक है फोकस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है बेसिक शेप आपने यहाँ पे देखेगी शेप टाइप देखा यहाँ पे मेरे पास सेगमेंट नहीं है, ठीक है कितना पार्ट हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर मैनेज करते हैं देन फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं जजमेंट्स जहाँ मैं सोचता रहेगा वहाँ पर मैं चीज़ को मैं मैनेज कर दूँगा, ठीक है यहाँ देखो जूम करके देखते हैं ये जो पार्ट है आप साइड पे गए अभी यहाँ से मैं चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे सेफ है मेरे पास सेट किया मैंने बस पॉइंटेड से पार्ट, ठीक है ये सेट मुझे यहाँ पे देना था यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ सिंपल मूव किया मैंने यहाँ पे ब्लाइंड करके आप थोड़ा मूव कर देते हैं अभी सेफ मेरे पास नीचे रहना चाहिए, ठीक है ये सेट मैंने यहाँ से थोड़ा सा ऐसा मैनेज किया है कि ये पार्ट हल्का सा ये पार्ट हल्का सा डाउन। अभी यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या करना मास्क करके मैं दे सकता हूँ मुझे मुझे मास्क करना है मैं मास्क कर सकता हूँ यहाँ पे क्योंकि ये जो पार्ट है यहाँ पे पॉइंट से रखना है तो पॉइंट से मैंने यहाँ पे किया पार्ट है ये पार्ट ऐसे ऐसे ठीक है शिफ्ट है। अभी यहाँ देखो यहाँ पे चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ ये पार्ट मैंने यहाँ से सेट किया, ओके तो यहाँ पर करने के बाद यहाँ पे क्या लेक मैंने इतना पार्ट यहाँ पे मास्क करके इतना अभी मेरे पास इतना काम कर जाएगा यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ ये पार्ट में यहाँ पे मैं इसको अलग से निकाल सकता हूँ लेकिन किसी में से मुझे कट निकालना तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है तो मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है बेसिक ब्लॉक हम लोग ने यहाँ पे सेट कर लिया। यहाँ पे देखो ब्लॉकिंग में और कुछ है क्या लेकिन मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं कर रहा क्योंकि मैं जब चीज़ को जोड़ूंगा तब मुझे काम करना है, अरे मुझे सब चीज़ को जोड़ना भी है जब मैं चीज़ को जोड़ूंगा तो जोड़ने के बाद मुझे आइडिया मिलेगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिजाइन पर काम नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा डिजाइन पर काम करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या होगा लेकिन वो चाहिए जिसमें मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैं जस्ट पहले ब्लॉकिंग पर काम करूँ कि ब्लॉकिंग में मैं कितना काम कर सकता हूँ इतना पार्ट लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है तो ये पहले से प्लानिंग होनी चाहिए कि हमारे ब्लॉकिंग में क्या पार्ट है, दूसरा पार्ट यहाँ पे इसके लिए पूछ लिए है ना तो उसकी पूछ को हम लोग यहाँ पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे नीचे में देखना पड़ेगा यहाँ पे साइड से देखो साइड से बहुत से सिंपल पार्ट ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है अभी ये पार्ट में अगर ऐसा कुछ बनाना है तो मैं आराम से बना सकता हूँ लेकिन अभी इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ा इसके लिए मैं आपको नया पूरी चीज़ को मैं यूज़ करना बताऊँगा, जैसे मैंने यहाँ पे अपेंड किया यहाँ पे अपेंड में क्या यहाँ पे चेट इसके लिए जेड स्पेयर लिया मैंने यहाँ पे और जेड स्पेयर को मूव करके यहाँ पे ले लिया चलो सॉरी जेड स्पेयर ऑल्ट एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे एंड देन मूव यहाँ पे ड्रॉप एंड मूव सेट कर सकते हैं वो फ्रंट पे आप देखिएगा फ्रंट साइड आप देखते हैं अभी ये मैंने यहाँ पे काम किया। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ जब मैं इस पर ड्रॉप पे जाऊँगा ड्रॉप पे मैं क्या कर सकता हूँ सिंपल मैंने क्लिक किया क्लिक करके मूव करता हूँ अभी ये मैंने इसको यहाँ पे कर दिया ठीक है और ये अगर आप फ्रंट से देखना चाहते हो फ्रंट से थोड़ा सा अलग दिखेगा इधर से दिखेगा ठीक है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी मैनेज कर रहा हूँ ठीक है
ये सब मैंने ऐसे कुछ कर दिया भाई, और ये सिर्फ मैं इधर से ऐसे भी निकलना चाहिए। ठीक है, सारी चीज ऐसा दिख रहा है, फ्रंट से ऐसा दिख रहा है अभी। और इसके बाद मैं अभी क्या करता हूँ, इसको मैं तो स्केल करना चाहता हूँ, स्केल कर सकता हूँ। ये मैंने स्केल किया अभी, ये पार्ट यहाँ पे, ठीक है, ये आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको ये पार्ट दिख रहा है, ड्रॉ पे गए, ड्रॉ पे आगे हमने यहाँ पे ऐसा ड्रॉ किया। ठीक है, मूव लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ प्रेस करना है, यहाँ पर मूव का पार्ट आपके यहाँ पर लिखे जाते हैं। सिर्फ आपका ऐसा कुछ है फ्रंट में गए, ये सिर्फ आपका ऐसा कुछ यहाँ पर दिया गया, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लेकिन सेप आपका कैसा है, यहाँ पे कैसा दिख रहा है और इधर कैसे दिख रहा है, तो ये आपको थोड़ा अरेंज होकर चलना पड़ेगा। फिर ठीक है, ड्रॉ पे गए, एक मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे मूव किया मैंने यहाँ पे, तो ये कुछ रेफरेंस थे आपके यहाँ पे ऐसे भी दिखेगा। और आपने यहाँ पे देखो सिंपल सा पार्ट, ये पार्ट आपने ऐसे कुछ किया यहाँ पे, ठीक है, स्केल कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, स्केल किया, देन यहाँ से मैंने क्या किया मूव कर दिया यहाँ पे, फिर स्केलिंग, ठीक है, फिर ड्रॉ किया यहाँ पे, मूव करता पहले यहाँ पे, ठीक है। और देन इसका देखो यहाँ पे, ये सिर्फ आपका साइड में था, वैसे नहीं है, ये साइड में कहाँ ले जाऊँ, कितना पार्ट ले जाऊँ, फ्रंट ले पे, ये कैसा है, यहाँ पे तो ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। ड्रॉ मैंने यहाँ पे किया, ड्रॉ एक पार्ट आपका यहाँ पर और ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे मूव किया मैंने यहाँ पे, तो मैंने तो था फ्रंट को सॉल्व कर, ठीक है, ऐसे करके मैं चूंकि मैनेज कर सकता हूँ। हाइट मेरे पास ये बहुत ही विजुअल नहीं है, साइड में ये यहाँ पर गया, ठीक है, ये पार्ट वापस यहाँ पर गया, इसके बाद मैं यहाँ पर अगर चूंकि मैं मैनेज करता इधर की तरफ आएगा, ठीक है, और ये अगर मैं यहाँ पर मैनेज करता ऐसे कुछ आया फ्रंट पे गए, फ्रंट से काम करेगा क्या, फ्रंट से भी ऐसे कुछ समझ जाता है काम करता, ठीक है। ये बेसिक का सेप है, अभी इस बेसिक से सेप के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक चीज को मैं और मैनेज कर, ठीक है, ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कुछ करके दिखा देता है। अभी ये जो मैथ हम लोगों ने यूज़ किया फ्लोर ऑफ फ्लोर, आप सिंपल ए प्रेस करो, स्विफ्ट है आपका भी सेकंड बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, तो स्विफ्ट है आपने यहाँ पे किया सेगमेंट आपका सब कुछ मिलने वाला है, तो आप इसको भी आप अरेंज करके छोड़ देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसको जोड़ने वाला पार्ट हमें बाद में करना है, इसको बाद में जोड़ेंगे, बाकी सबका पार्ट हम यहाँ पर अरेंज करके देखेंगे भाई मेरे पास कैसे क्या काम होगा। और सिमेट्रिकल अगर मैं आपको कभी काम करूँ तो कैसे क्या चीज़ को मैं मैनेज कर दूँगा, तो अभी मैंने क्लिक किया, ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते, ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, बीच तक मैं क्या करता हूँ, बस खुला वाला पार्ट है इसको मुझे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं मैनेज करता हूँ तो देन मैंने क्या ऊपर से लिख नीचे तक सबको मैं मर्ज कर दूँगा। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा पार्ट मर्ज कर दे, मर्ज डाउन, नेक्स्ट फ्लोर, सब कुछ ठीक हो, ठीक है, और लाइक चाहो तो एक बार रिसेव करके पहले से एक बार सेव करके रख लेते, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया सिंपल सा पार्ट मर्ज डाउन, ठीक है, मर्ज सिमिलर भी कर सकते हो, अगर ये हो जाता तो वेल एंड गुड है, ये तो मर्ज डाउन आपका हमेशा काम आएगा, मर्ज विजुअल करके देखो आप तो मर्ज विजुअल पे भी काम कर देगा, ठीक है। ये पार्ट आपके यहाँ पे तो है, एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा, ये मैंने जो डुप्लीकेट नहीं किया कंट्रोल जेड हो गया नहीं, जो क्लाव वाला पार्ट है, ठीक है, इसको जोड़ते हैं, ये इसमें कितने पार्ट है इसको हम लोग ध्यान रखे जोड़ेंगे यहाँ पे, कहाँ गया मर्ज, मर्ज डाउन, ओके, मर्ज डाउन, ओके, ये क्लिक कर देंगे यहाँ पे मर्ज डाउन, मर्ज डाउन पार्ट हो गया यहाँ पे, यहाँ चेक करूँगा मैं, अगर यहाँ पर क्लिक करूँ तो बस ये एक मॉडल में बस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसी का क्या करो डुप्लीकेट कर सकते हो आप यहाँ पे, वही डुप्लीकेट डुप्लीकेट, ठीक है, और देन हम लोग यहाँ पे गए डिफॉर्मेशन पे गए एंड देन मिरर, ये ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, कोई मुझे ऐसा कुछ सिर्फ देता है ऐसा कुछ मैं अरेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं इनको मैं बॉडी साथ में मर्ज कर सकता हूँ, ठीक है, ये पार्ट है मैं मैंने बस सेलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया ओके मर्ज डाउन, ठीक है, मैंने को सेव कर लिया, ठीक है, मर्ज डाउन इस पर हमेशा एक बार थोड़ा सा प्रोसेस कर लेना है, ठीक है, कैसा पार्ट आपका सेव पे यहाँ पे गया, ठीक है, मर्ज डाउन ये हो गया, ठीक है, एंड देन इसके यहाँ आपका पार्ट कौन सा है यहाँ पे आपका, ठीक है, ऑल्ट एंड क्लिक, ऑल्ट एंड क्लिक, ये पार्ट आपके यहाँ पे देखें,
इसको सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे नॉलेज वाले पे। अभी देखो ये सब एक ही मैच आ गया, ठीक है। अभी मैं पीछे कोर्स को नहीं जोड़ने का, यहाँ पर मैं एक पार्ट ले लिया यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबको एक को जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा पार्ट यहाँ पे डायनेमस होते हैं, डायनेमस, ठीक है। डायनेमस करते हैं आपको यहाँ पे चीज़ सब जोड़ जाने, ये आपको ध्यान रखना है। डायनेमस में चीज़ को लाइक जोड़ दिया, स्विफ्ट प्रेस करो आप यहाँ पे, देन यहाँ पे देखो एक बार स्विफ्ट प्रेस करके आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ये बार आपको थोड़ा ईजी हो जाता है कि भाई आपको स्विफ्ट कैसे देना है। यहाँ पर लगता है चीज़ को थोड़ा आपको अरेंज करना है, अरेंज कर सकते हो। यहाँ पर लगता है आपने बताया थोड़ा लाइक चीज़ को ऐड ऑन करना है आपके यहाँ पे, तो आप यहाँ पर थोड़ा ऐड ऑन भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा ब्लेंड करना है, ब्लेंड कर सकते हैं आप यहाँ पर, ओके। यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज करके, ठीक है। स्विफ्ट एंड क्लिक किया मैंने, फिर मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पर। अभी आप देखो यहाँ पे मैं अगर चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, बस यहाँ पे देखो ये मैच दिखने में कितना कम है, लेकिन जुड़ने के बाद ये बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो एक चीज़ और ध्यान देना कि अगर मैं पे काम करने वाला हूँ, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे सिमेट्रिकल वर्क नहीं करेगा दूसरा पार्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मुझे अगर इसमें कोई भी अभी अरेंजमेंट देना है तो मैं दे सकता हूँ, जो भी प्लेसमेंट देना है यहाँ पर दे सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। और जस्ट इसे, ठीक है, क्योंकि मर्ज और स्प्लिट होने पे देखो अंडू नहीं काम करेगा। बट एक बार हम लोग यहाँ पे भी काम करते हैं, ज्योमेट्री एंड सब टूल यहाँ पे, फिर भी देखते हैं सिंपल क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एंड देन क्या करते हैं, मर्ज डाउन, ओके। और देन यहाँ पे जुड़ा नहीं जुड़ा, जोड़ने के लिए क्या करना होता है, मैं यहाँ पे डायनेमिक, देखो जुड़ गया यहाँ पे। तो अभी इस चीज़ को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे चीज हाथ तो गई है, लेकिन यहाँ पर आपको देखो सिमेट्रिकल आपके यहाँ पे नहीं मिलने वाले थे। तो सिमेट्रिकल में आपके यहाँ पे ये चीज़ आपके यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो बाकी इन चीज़ को तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। पार्ट आपके यहाँ पे थोड़ा ब्लैंड होता है नजर आएगा, ठीक है। तो ये पूछ पे हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको कर दिख रहा है कैसे। देन मैं पे एक्स ऑफ करता हूँ, अभी साइज को मैंने सेट किया यहाँ पे, बड़ा करके यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ मैं ब्लैंड करके चलूँगा, ताकि मुझे ये हार्ड एजेस ना दिखे हमें, ठीक है। यहाँ पर मैं स्मूथ होता बड़ा भी हूँ तो उनका दिक्कत नहीं है, सॉरी वहाँ से, ठीक है। ये मुझे हार्ड एजेस को हटा देना है, हार्ड एजेस को हटाने के लिए मैं आपको प्रॉब्लम और कैसे कुछ करने वाला हूँ। ये जितने आपको जो भी नए वर्जन है ना जीबीएस के, उसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें ज़्यादा सेगमेंट मिलेगा। जो पुराने वर्जन है उसमें सेगमेंट कम मिलेगा, तो आप इन चीज़ों को तो आप ऐसे कुछ मैनेज कर सकते हो। अभी हमारे देखो मेन चीज़ हमारे यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे चीज़ को हमें तो फिनिशिंग दे दिया फिर भाई, ऐसा कुछ पार्ट है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्मूथ साथ मैंने डील कर लिया, ठीक है। ये पार्ट हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, अभी तो से चलते हैं जल्दी से जेस्चर पे। अभी देखो यहाँ पे बस कोई भी काम है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक्स वन पे था, फिर ठीक है, रेफरेंस हमारे पास यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, ठीक है, तो अच्छी देख लेना क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं देखूँ यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड लगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने एक निगेटिव स्कल्प किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने एक निगेटिव स्कल्प किया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपका यहाँ पे निगेटिव स्कल्प में आएगा, ओके। ऐसे कुछ हम लोग पार्ट यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे, क्लियर बिल्डअप के लिए हल्का हल्का मैंने यहाँ पे स्कल्प कर दिया यहाँ पे, स्मूथ, ठीक है। अब ऐसे कर लो तो डायनेमिक्स में बेनिफिट और जान तो क्या, स्विफ्ट रेफरेंस पर यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करो तो ये अपने आप वहाँ पे मैच दे देगा, ठीक है। तो स्विफ्ट रेफ यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो बेसिक शेप पे मैं पे क्या साइड का मेरे एक कर्व दिख रहा है, ये जो कर्व है ये कर्व मेरे पास कैसे दूंगा, ये जो मेरे पास दिख रहा है ये पार्ट मेरे पास इतना टमी के साथ यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, ये पार्ट मुझे यहाँ से स्कल्प करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्कल्प भी देख सकता हूँ, ठीक है। साइड वाला पार्ट आपके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ऐसा कुछ पार्ट आपको बस ऐसा कुछ है। जो कर है जो कर वाला पार्ट आपको यहाँ पे तो दिखा देता है, ठीक है।
मतलब ब्लेंड करने यहाँ पे ठीक है कि मैं यहाँ पे चीज़ को ब्लेंड कैसे कर सकता हूँ पता हूँ। फिनिशिंग वाला पार्ट यहाँ पे ठीक है। स्टैंडर्ड पे गए, स्टैंडर्ड पे गए, साइज को छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, फॉल ऑफ को कम कर दिया मैंने यहाँ पे। हल्का सा मुझे यहाँ पे कुछ निगेटिव स्कल्प देना है तो यहाँ पे ये निगेटिव स्कल्प मैं ऐसे करके दे देते हैं, ठीक है। ये शेप आपका पास ऐसा हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये शेप आपका ऐसा कुछ करके दिखा देंगे दैन ये जो शेप्स है आपके पास यहाँ पे, ये जो लाइक कॉर्नर पॉइंट आपके पास ये चीज में तो मैं मैनेज करूँगा स्कल्प करके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा पॉजिटिव स्कल्पिंग करती हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा पॉजिटिव स्कल्पिंग करती हूँ यहाँ पे हल्का सा, ऐसा कुछ हम यहाँ पे दे सकते हैं अभी, ठीक है। सेप से मेरे पास यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फोटो दिखाना है तो ये देखो यहाँ पे और कुछ है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। बहुत सा फ्लफी है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया हल्का सा लाइक निगेटिव स्कल्पिंग मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, निगेटिव स्कल्पिंग कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। देन यहाँ से हमने क्या किया, ये हल्का सा निगेटिव स्कल्पिंग किया मैंने आपको अप कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये शेप है मेरे पास, यहाँ से मैंने ये शेप मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे दिया, ठीक है। तो ये पार्ट वैसे मैं ऐसा कुछ ब्लेंड कर सकता हूँ, ठीक है। लेग वाले पार्ट में कलेक्टिव यहाँ पे दे रहा है, ये कलेक्टिव किया है तो मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे सेट किया है। देन हल्का सा ब्लेंड ये पार्ट थोड़ा सा आपने यहाँ पे तो देखिए पहले आपको कनेक्टिविटी देनी, तो कैसे कनेक्टिविटी आपने दे रहे थे जितनी चीज़ों का लाइक ऑब्जर्व करोगे मैनेज करोगे ये पार्ट आपके यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे देखो डायनेमिक्स पर मेरा काम खत्म हो गया, मैंने क्लिक किया पे फोकस, मैं इसमें स्मूथ दे सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी दिया मैंने यहाँ पे दिल से, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे मैं सिंपल लाइनें देखी है यहाँ पे सिंपल का पार्ट, यहाँ से मैंने क्या किया हल्का सा स्टमक के लिए यहाँ पे निगेटिव स्लाइड कर दिया, ताकि मेरे पास यहाँ पर डिफाइन हो कि ये बस पार्ट इतना है और ये मतलब पार्ट इतना है, ठीक है। ये मैं दो यहाँ पर ब्लेंड कर दूँगा, छोटी छोटी चीज़ों को कितना आप ऑब्जर्व कर सकते हो वो चीज़ आपको देखना है। देखो सेप आपके पास कैसे जा रहा है, ये सेप आपको बहुत ही लाइक ये सेप आपका ऐसा कुछ जा रहा है, ये सेप आपका ऐसा कुछ जा रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा मैनेज भी करेंगे। सेप आपका ऐसा कुछ है यहाँ से मैंने थोड़ा सा निगेटिव स्कल्प कर दिया, तो ये पार्ट मेरे सिंपल देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ पार्ट है अभी मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं मैनेज भी करना चाहूँ तो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये सेप दिख रहा है यहाँ पे जो लाइनें हैं स्माइल का जो पार्ट दिखा रहा है साइज, ठीक है। ये जो पार्ट है आपने यहाँ पर ये पार्ट आपके यहाँ पे, ठीक है। ये सेप्स को मैं तो सभी निगेटिव स्कल्पिंग करके यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ये सब मैनेज किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और ये पार्ट आप हल्का था यहाँ पे लाइक थोड़ा सा मुझे थिकनेस चाहिए तो मैंने ब्रश का साइज थोड़ा बढ़ाया था, ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ, ठीक है। सिफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। यहाँ पर मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। साइड से देखते हैं, साइड से वापस अभी कुछ और मिलेगा क्या यहाँ पे लाइक साइड वगैरह में यहाँ पे गए तो साइड से वापस कैसे गया, तो मसल्स नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो मसल्स पे यहाँ पर मैं कनेक्टिविटी देने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा शुरू करूँ, अच्छा मैं इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से नीचे तक बनाऊँ, ठीक है। ब्लेंड किया, ठीक है। ये जो सेफ पर्पस यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। सेफ है, ठीक है। एंड सिर्फ डी करो, डिजन कम करके दो यहाँ पे। देन ये चीज़ मैं आपको थोड़ा दिखा सकता हूँ, सेफ पर्पस यहाँ पे देख रहे हैं, ओके। इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हो आप यहाँ पे, जिन चीज़ को थोड़ा सा समझोगे तो देन आपको सीधे थोड़ा सा बैठा देखेगा। ब्लेंड करो स्मूथ एंड स्कल्प यहाँ पे, निगेटिव स्कल्प यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ से आप चीज़ को देखोगे ये जो कनेक्टिविटी यहाँ पे जो आपको कनेक्टिविटी यहाँ से जो जा रहा है, ठीक है। ये पार्ट आपको यहाँ से जा रहा है, ठीक है। ये से आपको यहाँ से कुछ मैनेज कर सकते हैं आप, स्कल्प करो देन स्मूथ, ठीक है। देन यहाँ से आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली निगेटिव स्कल्प कर सकते हैं आपको, ये पार्ट आपका यहाँ से तो सर विजुअल होगा पे नेगेटिव स्कल्प करो एंड देन, ठीक है। डी प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ये यहाँ से ब्लेंड, तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ पार्ट ऐसे दिखाऊंगा जिसमें बस दांत दिख रहे हैं पहले, छोटे छोटे से दांत हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ लाइक मैं अलग से ले सकता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ पे एक दो मास्क करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या साइड में गया, ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, आप चाहो तो यहाँ पे मास्क कर सकते हैं। ये मास्किंग का पार्ट आपका इतना आ गया, ये मास्किंग पार्ट आपका यहाँ पे इतना आ गया, ठीक है। ये मास्किंग का पार्ट आपका इतना आ गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ से फ्लोर ऑफ किया यहाँ पे, और इन चीज़ों को मैं नीचे से खींचने वाला हूँ,
जैसे मैंने अभी क्या किया, ये पार्ट में भी सब देखा है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे पढ़ दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे पढ़ दिया, ठीक है। इनको मैं यहाँ से कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता, ठीक है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो आप चाहो तो लाइक ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो, लगता है कि आपको अलग से नहीं बनाना है, मैंने अलग से बनाने का प्रोसेस मैंने आपको बताया, ठीक है। आप चाहो तो लाइक यहाँ से ऐसे कुछ कर सकते हैं कि आपने कुछ ऐसा किया, ठीक है। कंट्रोल एंड क्लिक किया, आप यहाँ से देखो, यहाँ से सिर्फ आपके पास यहाँ नीचे भी चला गया, तो कोशिश करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल एंड ऑल्ट, ठीक है, ये पार्ट आपने यहाँ पे लिख दिया। अभी इनको आप यहाँ पे सिंपल मूव करके भेज जाओगे, ऐसे भी करके आप डील कर सकते हैं। देख अगर मैं यहाँ पर ऐसा करके डील करूँ तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, स्विफ्ट है, हमें यहाँ पर सिंपल लाइक स्मूथ हैंड ब्लैड यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ। लगता है कि आप इस पर ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आप ऐसे करके मैनेज कर लो, ठीक है। ड्यूजर की कमी पड़ती है क्या, जो हम लोग यहाँ पर कहते हैं तो उसमें मैनेज ज़्यादा लगता है, ड्यूजर की थोड़ी कमी आपको लिखेगी, आप लिखे आप यहाँ पर थोड़ा सा काम करना चाहते हो, ठीक है। इसी के लिए आपको कंप्लीट बनाना है तो आप यहाँ पे मैं ठीक है क्या सिंपल से लगते हैं अपने पे हल्का से बीस हो, ये पार्ट आपने हल्का सा ऐसे भी आपने कुछ दिखा दिया, क्योंकि ये पॉइंट जैसे आप बता देखो फ्रंट से यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ पार्ट है अपने यहाँ पे बिल्कुल फिल आपको देखने की, ऐसा सिर्फ आपके पास कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, आप ऐसा कुछ मैनेज कर सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे करके हम लोग दिखा सकते हैं आप, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं एक और डिजन देता हूँ, ठीक है, डिजन देने का क्या उनको डी मैंने किया पे, अब मैं तो यहाँ पे हल्का सा तो ऐड ऑन कर देता हूँ, साइज सेट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, फॉलो और देन यहाँ से हल्का सा मैंने यहाँ पे क्या किया, निगेटिव स्कल्प यहाँ पे ये डाले थे, निगेटिव स्कल्प से तो इफेक्ट बेटर हो जाता है ये पार्ट, तो लगेगा उसके अंदर से पार्ट निकल कर दिया, ठीक है। आप ऐसे करके तो दिखा सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको आपको मैनेज करना है, कंटेंट बनाना है, कंटेंट बनाने का ऑप्शन आपके पास है, स्मूथ करके देख लो, ठीक है, आप ट्रेन डायनेमिक के लिए कर लो, ठीक है। अभी हम यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि इसे किया मैंने यहाँ पे, और देन यहाँ से मुझे क्या काम करना है, थोड़ी फिनिशिंग देना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे निगेटिव स्कल्प के मैंने यहाँ पे ये पार्ट ऐसे करके ऐसे भी दिखाया, ठीक है। अभी ये पार्ट में अगर ऐसे करके दिखाता हूँ, अंदर मैंने यहाँ पे ये, ठीक है, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे और हल्का सा ब्लेंड, ठीक है, फोकस कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे शेप्स को थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, लिटिल बिट टोटल चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक बार रिटच करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो भी कुछ काम किया था वो क्या किया था, लो लेवल पे काम किया था, ठीक है। लो लेवल पे काम कर रहे थे, हमें आपको थोड़ा सा ब्लैक एक बार यहाँ पर ये नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे चीज़ आपको दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, स्टमक वाला पार्ट है, काफ़ी चीज़ हमने यहाँ पे एडजस्ट किया यहाँ पे, ठीक है। लुक एंड फील देने के लिए हमने यहाँ पे लाइक काफ़ी चीज़ को मैनेज किया है, जैसे यहाँ देखो यहाँ पे मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अपने इसको अगर मुझे कॉन्टिट करना पड़े तो थोड़ा सा डायनेमिक का यूज़ करते हैं, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, हल्का सा कंटेंट मुझे भी करना पड़ता है, मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा होगी तो लोगों ने लिखेगा, इसलिए चाहो ऐसे कुछ करना तो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ हमने कर दिया, अभी यहाँ पे देखिए काफ़ी तक हमने चीज़ को दिया, अब जितनी फिनिशिंग देंगे ना उतना टाइम हमें दिखेगा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। बेसिक से मैंने आपका ड्रैगन का एक स्ट्रक्चर आपका मैंने बता दिया, भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, आपका ब्लेंड करो, आप यहाँ पे स्कल्ट करो, ब्लेंड करो, थोड़ा सा फॉलो फॉलो पार्ट है, ठीक है। स्विफ्ट डी कम करके तो और ब्लेंड अच्छा कर सकते हो, स्विफ्ट डी, ठीक है, ये ब्लेंड हो गया, फिर से लाइक थोड़ा सा ब्लेंड हुआ, फिर डी बढ़ाओ, फिर ब्लेंड करो, फिर डी बढ़ाओ, आप ऐसे करके आप यहाँ पे चीज़ को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई कैसे क्या काम करना है, ठीक है।
अभी देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, हमने कुछ साइड अटैक्शन निकाला, अभी तो यहाँ पे चाहते हैं कि कुछ अलग से काम हो सके। मैंने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, देन यहाँ से मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई टेक्सचर का ऐड ऑन करना था। मैंने यहाँ पे क्या किया, आर जी बी ऑन किया यहाँ पे, मैंने टेक्सचर में यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, टेक्सचर यहाँ पे गए और यहाँ से गए लाइक दिस वन, इसे मैं एक बार देखते हैं टेक्सचर यहाँ पर आ गया, क्लिक एंड ड्रैग यहाँ से लेते हैं ड्रैगिंग, ठीक है, और लाइक तो यहाँ पर ट्राई करते हैं फिर ये चीज़ और यहाँ पर अच्छा दिखेगा नहीं दिखते हैं। मॉडलिंग पे काम हो रहा है यहाँ पे, आर्ट जेट को मैंने कर दिया है कंट्रोल डी, और मैं यहाँ पे तो मैं ऐसे करके भी दिखा सकता हूँ, ऐसा कुछ पार्ट देखा है वो, ठीक है, ऐसे कुछ पार्ट मैंने ऐड ऑन किया। अभी यही काम मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक बार मैंने ऐसे दिखाया कि ऐसे कुछ पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बट आई वॉन्ट सब प्रूफ है कि यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है, यहाँ पर गया, देन मैंने यहाँ पे क्या किया नॉर्मली इन्फॉर्मेशन पे गए और यहाँ पे कर दिया मैंने। अभी यहाँ पर मल्टी डिविजन का नहीं जाता तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिविजन को मैंने क्या कर दिया, डिविजन को मैंने कर दिया कम, ठीक है, एंड देन डिफॉर्मेशन ठीक है यहाँ पे गए, फिर लगता है सर डिविजन भी डिलीट ही करना पड़ेगा, मैं डिलीट आया देखो। अभी मैं बस यहाँ पे चीज़ों में मैंने ऐसा कुछ किया तो भी वहाँ से ऐसा कुछ पार्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, अगर मैं लगता है तो मैं यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे भी मैं ड्रैग कर सकता हूँ, मैं ऐसे करके भी ड्रैग कर सकता हूँ अगर मुझे लगता है। लेकिन देखो अभी यहाँ पे इतने भी जान आने लगे, सिंपल सा पार्ट आपने दिखाया है, आप यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकते हो वैसे आपके पास कैसा है किस टाइप से चीज़ को, मतलब वैसे गूगल पे दे सकते हैं, यहाँ पे चीज़ें बहुत सी हैं लाइक डिटेल देने के लिए, जी बहुत सी डिटेल देने के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या पे कहाँ पे क्या इम्पैक्ट देना है, क्या फिनिशिंग देनी है यहाँ पे, ठीक है, चीज़ को लुक एंड फील दे सकते हैं आप, तो मैं एक बार देखता हूँ कि क्या क्या पार्ट मेरे पास यहाँ पे पॉसिबल है। इसका ड्रैगन जो पोस्ट का पार्ट है तो देन यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मली लाइक यहाँ से ऑल्ट एंड क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, स्टैंडर्ड पे गए यहाँ पे टेक्सचर ऑफ कर दिया मैंने, यहाँ पे जेड ऐड कर दिया, तो मैं यहाँ पे अभी काम कर सकता हूँ, मेरे पास अभी एक्स नहीं है, यहाँ पे आप ध्यान देखिए आप काम कर सकते हैं, फॉल ऑफ किया मैंने यहाँ पे लाइक ऐसे करके आप थोड़ा डील देना स्टार्ट किया, निगेटिव है जेड स्क्रैप किया मैंने यहाँ पे, तो देन ये शेप्स को मैं ऐसे ही करके यहाँ से यहाँ से, ठीक है, और देन ये शेप मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा काम कर सकते हैं, ऐसे भी कुछ पार्ट हो, अदरवाइज यहाँ पे मैंने क्या किया मास्क कर दिया यहाँ पे, मास्क पॉसिबल है यहाँ पे, मैंने मास्क यहाँ पे दिखे, मास्क यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए इतना मैंने मास्क यहाँ पे दिखे, यहाँ से ये पार्ट मैंने इतना मास्क कर दिया, ठीक है, ऐसे कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से कुछ स्टेप से लिया, ये पार्ट मैं यहाँ से ले सकता हूँ, इज इट पॉसिबल ये पार्ट यहाँ पे गया, ठीक है, अंदर जितनी छोटी छोटी डिटेल्स को आप कर सकते हो ना वो ज्यादा बेटर है, लेकिन ये आपके डिपेंड करेगा आप कितने डिटेल्स को आप फिल एंड फाइल करने वाले हो, ठीक है, बिल्कुल यही करेक्ट है, हम लोग उसमें और बनाते तो लाइक उसमें टाइम लगता है, हम लोग ने अभी जस्ट ब्लॉकिंग किया चूज़ को मैनेज किया यहाँ पे, कितनी जल्दी हम चूज़ को कवर अप कर सकते हैं, तो ये चीज़ में देखना है और दिखाना है कि कैसे मैं चूज़ को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है, ये से पे बस यहाँ पे गया, देन मैंने यहाँ पे लिखा कि ये पार्ट बस यहाँ पे जा रहा है, तो मैंने ये पार्ट यहाँ से मैनेज कर दिया, ठीक है, मैं मास्क हटाना है तो कंट्रोल आर्ट करके मैंने मास्क हटा दिया यहाँ पे, ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं लाइक नॉर्मली मास्किंग है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा लाइक चीज़ को थोड़ा सा बेटर वे में लाइक प्रॉपर वे में मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ऐसे भी काम कर लिया हम लोग यहाँ पे, डिफॉर्मेशन है यहाँ का चाहो तो हल्का सा इन्फ्लेट है यहाँ पे, वेयर इज द इन्फ्लेट, हल्का सा आप प्रेस कर सकते थे देने पार्ट आपको थोड़ा देखेगा, ठीक है, कुछ आपको यहाँ पे लाइक हल्का फुल्का आपको लगता है तो सर आपको लाइनें ड्रॉप करना है तो आप यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकते हो, लाइक मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या करना है सिंपल सा पार्ट,
साइज छोटे किया मैंने आपके दें स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ा दिया मैंने फिर ये रुपये जो पार्ट है ऐसे कुछ दिखा दिया ऐसा कुछ पार्ट दिया ऐसे कुछ पार्ट आप यहाँ पर दिखा सकते हो यहाँ पर नॉर्मली छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं उनका फॉलो करो तो आपकी चीज़ें और बेटर दिखेंगे। आप किसी भी चीज़ को कितना बेटर कर सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है जैसे कि आप कैसे आप चीज़ को मैनेज करने वाले हैं कि ये पार्ट आपने देखा होते कि यहाँ से स्टेप है तो यहाँ पे ये पार्ट छोटी छोटी लाइन आपके यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है अभी इसको आप फॉर्मी से स्कर्ट करना चाहो फॉर्मी से स्कर्ट कर सकते हो कंट्रोल लाइन क्लिक किया उल्टा मैंने यहाँ पे सेट कर दिया जिसमें मैं थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहूँ पॉजिटिव ड्रॉ है तो मैंने यहाँ पे क्या किया स्टैंड को थोड़ा सा कम कर लिया तो मैं चाहूँ कि यहाँ पर मैं नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करके काम कर सकता हूँ। ठीक है बेसिक सेप आपको देख लेते हैं आप यहाँ पे कुछ पार्ट आप देख लेते हैं। ठीक है एक्स ऑन किया मैंने यहाँ पे मॉडर्न चीज को थोड़ा सा बेटर बना रिप्रेजेंट किया। ठीक है ब्लेंडिंग में यहाँ पे गए। ठीक है ओके ये बेसिक शेप को थोड़ा सा मैं ब्लेंड कर देता हूँ अभी स्विफ्ट डी और दो पार्ट आप ब्लेंड कर देते हैं यहाँ पे सेम वापस कैसा है किस टाइप से पार्ट है। ठीक है और हल्का सा आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं ये दिखेगा। ठीक है कई बार से जब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं तो ये ब्लेंड हो जाना चाहिए क्या लगता है फिर कुछ चीज़ में बस बच गया तो मैं फिर थोड़ा सा क्लियर बिल्डअप से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज नहीं करता हूँ। ठीक है ये सेट मैंने ऐसे कुछ करके यहाँ पे देन यहाँ से थोड़ा सा ब्लेंड करके दिखा दूँ निगेटिव स्कल्प करना निगेटिव स्कल्प कर आप यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव स्कल्प करना पॉजिटिव स्कल्प करते कलेक्टिविटी आपको यहाँ पे मैनेज कर देंगे। ये लाइक आपको फिनिशिंग के साथ आपको लेके चलना कि मैं इसके पार्ट में फिनिशिंग करने में लिखे क्या क्योंकि स्मूथ का बहुत अच्छा यूज़ है आपके यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ को आपको यहाँ पे काम करना है तो आपके यहाँ पे बहुत फिनिशिंग आ जाएगा सेफ सेम है बस यहाँ पे। ठीक है स्टैंडर्ड पे गए आप यहाँ पे आपको मैंने अगर डैम स्टैंडर्ड टूल बताया है अगर आपको याद हो डैम स्टैंडर्ड टूल से आप एक बार थोड़ा सा इंडस्ट्री काम कर रहे हैं ड्रॉ भी कर सकते हैं ये थोड़ा सा फिनिशिंग यहाँ पे दिखता है आपके ये आपने ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है देन इज माय आईज आईज आ गया मेरे पास यहाँ पे सिमेट्री सब को यहाँ पे मैं ऑन कर दिया। ठीक है अब इन चीज़ को थोड़ा सा लाइक मैनेज करते हो डी 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 ये रुपये थोड़ा सा पार्ट भी इनको आप मैनेज करो हल्का सा स्मूथ किया अभी क्योंकि ये सेप आपने यहाँ से ये सेप दिखा दिया आपने ये सेप ऐसे कुछ कर दिया फिर ये सेप आपने ऐसे कुछ दिखा दिया फिर नॉर्मली जो एक ब्लेंडिंग के रूप में। ठीक है आप ऐसे कुछ यहाँ पे दिखा सकते हो डी डी। ठीक है कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे डिजिटल मुझे कोई लगता नहीं है और हल्का सा मैंने यहाँ पे क्या किया स्विफ्ट एंड स्मूथ ब्लेंड कर देना आप यहाँ पे हल्का सा स्विफ्ट एंड स्मूथ और सा नहीं देखिए कोई। ठीक है ऐसे कुछ कर देता हूँ मैं यहाँ पे तो क्या हल्के से जो लाइनें ड्रॉ की है ना ये तो हाईलाइट कर सकते हैं जितना डिविजन पर आप हाईलाइट करो उतना ज़्यादा बेटर देखते हैं ये डिविजन पर दिखेगा ये ध्यान देना आपको ये अपने दोस्तों स्मूथ कर दिया। ठीक है जो भी अपने पार्ट ऐड ऑन किया आपने जो भी रह जाएगा आपके पास कर्ड्स है उन कर्ड्स को अपने ऐसे कुछ आप दिखाओगे तो आपका चैनल प्रॉपर देखिएगा। ठीक है यहाँ पर हमने काम किया है क्योंकि यहाँ पे प्रोमिनेंट है तो एक ऑब्जेक्ट में आपको कैसे दिखता है अलग अलग ऑब्जेक्ट में कैसे दिखता है ये पार्ट आपको देखा अभी ये पार्ट आपको देखा मैं प्रोमिनेंट कर रहा हूँ अभी ये प्रोमिनेंट यहाँ पे ये मैंने दिखा। ठीक है ये प्रोमिनेंट मैंने यहाँ पे किया तो ये पार्ट आपको यूज होगा कुछ कुछ पार्ट आपको यहाँ पे ऐसे कुछ दिखा देना यहाँ पे। ठीक है कुछ कुछ पार्ट आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो ध्यान देखो स्विफ्ट डी ये आपने काम किया यहाँ पे हल्का सा ब्लेंड कर देना पड़ेगा। ठीक है फिर डी प्रेस किया फिर हल्का सा ब्लेंड करना। ठीक है फिर डी प्रेस किया आपने तो ये इलेक्ट्रिक सेंटेज है आपके हल्का सा मैनेज कर सकते हो। ठीक है आपको यहाँ पे हल्का सा कुछ खींचना था यहाँ पे ये स्टेप से आप स्टेप से थोड़ा सा चीज़ को उसके मैनेज कर देंगे। ठीक है यहाँ से आपको थोड़ा सा कुछ काम करना है आपको तो यहाँ पे दिख रहा है स्टैंडर्ड पे गए स्टैंडर्ड पे जाने के बाद आपके यहाँ पे थोड़ा सा शेप आपके यहाँ पे फॉल ऑफ जेट जा रहा है ऐड करने मुझे तो मैं ऐड ऐसे करके दिखा सकता हूँ। ठीक है ये मैंने ऐड ऑन किया यहाँ पे ये मैंने ऐसा कुछ ऐड ऑन किया यहाँ पे और देन मैंने ये ऐसा कुछ ऐड ऑन किया ये थोड़ा सा आपका लेयर लेवल दिखेगा हल्का सा नेगेटिव स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे
ठीक है, यहाँ देखिए आपको कुछ ऐसा पार्ट है जिस पार्ट पर थोड़ा सा हल्का सा मुझे लगता है नीड है ब्लेंड करने का, थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे, थोड़ा सा ब्लेंडिंग दिखे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन बहुत ही ऑड नहीं दिखना चाहिए। ये जो शेप दिखे आप यहाँ पे थोड़ा सा माइनस करके दिखा सकते हो, तो भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, ऐसे मैं कुछ काम कर सकता हूँ। बेसिक आप लेवल पर दे सकते हो, क्योंकि आपको ऐसे कुछ ड्रैगन का आउटपुट निकालना है।